एवरीवन, सत श्री अकाल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग मेरा व्लॉग नहीं होने वाला है क्योंकि टुडे आई वाज नॉट फीलिंग माय सेल्फ। सिंस यस्टरडे आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड आई डोंट वांट टू शूट अ व्लॉग और गो आउटसाइड और टॉक टू एनीवन, बिकॉज व्हेनेवर आई फील दीज इमोशंस आई जस्ट कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन फॉर अ वाइल, बिकॉज आई हैव टू रीगेन माई एनर्जी। And also I don't want ki if I'm feeling negative emotions, so I transfer them to anyone I'm talking to. So that's why when I'm feeling quite depressed or sad, I don't talk to people. I just cut. So since yesterday I was not feeling fine, I went for a walk with a friend shaam ko and it was good. And after that I came home and I sat quietly. And I didn't want to do anything afterwards. I slept for like 15 hours and straight because I was not very well and I didn't want to get like away from my bed or get up and do anything because nahi mera man kar raha tha ki kuch bhi main karun ya main apne bed se niklun bhi, but I forced myself ki no, this is not the right thing to do, so I have to get up and get ready and do things which I love. I decided ki I don't have to waste my energy and my time and my entire day feeling depressed or upset. So what I did, first of all I took a shower and I didn't want to, but I had to because I had to feel fresh. Then I did part, I did Japji Sahib, then I did Durga Chalisa, and after that I did meditation for a good half an hour, I guess, because मैं time देख के कभी meditate नहीं करती, तो मैं अंदाजे से बता सकती हूँ मैंने कितना किया होगा। उसके बाद भी I felt थोड़ा बहुत, मतलब एकदम से ठीक नहीं हो जाते आप, मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था ऐसे। मैं आई चुपचाप, मैं अपना बुक उठाया, तो द बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ इज द, मैं नाम ही भूल गई उसका, वाओ, हीलिंग इज़ द न्यू हाई। तो हीलिंग मुझे याद था क्योंकि ये न्यू बुक है और मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने अपना उठा के बुक पढ़ना स्टार्ट कर। तो आज का जो मेरा एक टॉपिक है जो मैंने सोचा आई शुड कन्वे टू अदर पीपल इज़ व्हेन यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड और वेल यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ, देर इज़ नो वन हु कैन पुश यू आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, यू आर द ओनली वन हु कैन डू दैट। तो इसलिए मैं कह रही थी ये व्लॉग नहीं होने वाला है, इट्स इज़ मोर ओवर गाइडेंस फ्रॉम माई सेल्फ टू यू, तो हाउ टू डील विद इट जब आपको ऐसा कुछ अच्छा ना लग रहा हो एकदम से। और मुझे भी नहीं पता था कि मुझे हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। आई गॉट इन टू दिस फेज बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, सो आई वॉज ओवर थिंकिंग अ लॉट अबाउट माई फ्यूचर, अबाउट माई करियर बिकॉज ऑफ द कोविड। एवरी पर्सन हु सोशलाइज अ लॉट, हु गोज आउट, हु इज़ वेरी प्रोडक्टिव, मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ। तो कोविड की वजह से लॉट ऑफ कैंसिलेशंस है, कोविड की वजह से आई हैड टू सिट एट माई होम एंड आई वॉज थिंकिंग कि मतलब मैं क्या करूँ। आई वॉज ओवर थिंकिंग अ लॉट बिकॉज आई एम द पर्सन हु ओवर थिंक stuff, and that's why I started meditating because meditation एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है अपनी ओवर थिंक को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना। तो उन चीज़ों की वजह से मेरा दिमाग इतना पाइल्ड अप हो गया आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई एम शेयरिंग दिस विद यू बिकॉज एवरी वन कैन रिलेट टू इट एंड जस्ट बिकॉज दिस इज़ माई ब्लॉग चैनल आई डोंट वॉन्ट टू सी द हैप्पी टाइम्स आई हैव ऑल द टाइम बिकॉज आई स्माइल ऑल द टाइम, आई शेयर पॉजिटिविटी ऑल द टाइम, बट ऑल्सो दिस इज़ द फेज दैट द ह्यूमन बींग हैव टू गो थ्रू। सो दैट्स आई एम शेयरिंग दिस स्टफ टू यू क्योंकि मुझे पता है पीपल डोंट, पीपल लाइक मी डोंट लाइक टू शेयर स्टफ वेरी ईजिली। आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज मुझे पता है मेरी तरह और भी लोग होंगे जो मतलब अपने फ्रेंड। सो एज अ क्रिएटर आई वॉन्टेड यू टू वॉच दिस to see the reality which not a lot of people show you because people are being fake nowadays, and yeah they are being fake because people like to see that chatter patter and matlab faltu ka kalesh and everything over YouTube. There is a lot of things, I will not say negativity or something, but yeah they are doing good in their field whatever. So
इट वॉज लाइक ठीक है इफ़ आई एम गोइंग थ्रू दिस मे बी सम वन आउट देयर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम सो इट माइट हेल्प दिस वीडियो माइट हेल्प सम वन हु इज आउट देयर फीलिंग दीज इमोशंस राइट नाउ टू स्टे ट्रू टू माई ऑडियंस एंड ट्रू टू माई पीपल आउट देयर तो वाइल आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज तो अभी मैं बताऊँगी हाउ आई चेंज माई सेल्फ अभी कैसे मेरा अपने मूड को पॉजिटिव किया I thought why don't I share my experience with you. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपना मूड पूरे दिन का कैसे बदला और क्या क्या मैंने उस टाइम पे किया जो मुझे हेल्प किया क्या मेडिटेट किया उसके बाद I was reading a book and afterwards मैं लेट गई फिर से ब्लैंकेट में और जब मैं लेटी ना मुझे इतनी गंदी फीलिंग आई ना मुझे बोला क्या मतलब मैं क्या ऐसे पड़ी हुई हूँ जस्ट मैं कुछ कर नहीं रही और मुझे पता था ये नेगेटिविटी अगर मैं इसमें चली गई तो मैं जाती ही रहूँगी मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा ख़राब हो जाएगा और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दुखी रह नहीं सकता मुझे रहना ही नहीं आई चूज़ टू बी हैप्पी मैं उठी मैंने कंबल फेंका साइड में मैंने अपना रूम थोड़ा सा क्लीन किया मैंने वॉक करना स्टार्ट किया घर में मैंने थोड़ा थोड़ा वॉक किया मैंने यूट्यूब पे कुछ कुछ देखना स्टार्ट किया कुछ फ़नी वीडियोज़ कुछ ऐसे ऐसे थोड़ा मेरा मूड लाइट हो गया मैंने किसी को कॉल नहीं किया मैंने अपने किसी फ्रेंड से बात नहीं करी क्योंकि मेरा बिलीव ये है जो आपकी वाइब्स होती है आप ट्रांसफ़र करते हो लोगों को तो मैं आई ट्राई टू प्रोटेक्ट देम अब पता नहीं मैं ठीक हूँ या गलत हूँ जो भी है बट आई ट्राई टू प्रोटेक्ट माई पीपल फ्रॉम दैट वाइब्रेशन आई वॉज वॉकिंग उसके बाद मैं फिर आके बैठ गई फिर मेरा मन किया मेरे को आज कुछ करना ही नहीं ना मुझे बाहर जाना है ना मुझे एक्सरसाइज करनी है ना मुझे कुछ करना है फिर मैं बैठी फिर मैंने बुक रीड करनी स्टार्ट करी फिर मुझे अंदर से एकदम से मोटिवेशन मिला कि अब कोई और तो आएगा नहीं 8-10 बंदे मुझे हेल्प करने के चले यार बाहर चलते हैं घूमते हैं फिरते हैं थोड़ा मूड तेरा लाइट करते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता खुद उठो उठ के अपने लिए ग्रीन टी बनाओ पियो मैंने ग्रीन टी बनाई पी फिर मैंने सोचा भाई मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट 8-10 बंदे मुझे हेल्प करने के चले यार बाहर चलते हैं घूमते हैं फिरते हैं थोड़ा मूड तेरा लाइट करते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता खुद उठो उठ के अपने लिए ग्रीन टी बनाओ पियो मैंने ग्रीन टी बनाई पी फिर मैंने सोचा भाई मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी इस चीज़ पे जो होगा देखा जाएगा आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी एंड आई नो व्हेन यू फील डिप्रेस्ड व्हेन यू डोंट अचीव योर गोल्स मतलब सब अपने एक गोल सेट करते हैं मैंने भी कर रखे थे किए हुए हैं बट समटाइम्स देयर आर सिचुएशन यू कांट कंट्रोल तो जैसे अभी कोविड का सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते आई एम थैंकफुल दैट आई हैव थिंग्स राइट नाउ अभी भी आई एम वर्किंग आई हैव एवरीथिंग बट स्टिल मेरा एक गोल था जब वो अभी अचीव नहीं कर पाते टाइम पे मैं काफ़ी नेगेटिविटी में जा रही थी जब मैंने मतलब चीज़ें ऐसे किया कि मुझे ये चाहिए था अभी मेरे पास वो नहीं है फिर मैंने अपने माइंड को स्विच किया मैं बोला रेदर देन फोकसिंग ऑन दिस मेरे पास क्या नहीं है आई शुड फोकस ऑन व्हाट डू आई हैव राइट नाउ एंड आई हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स लाइक द वे आई इमेजिन माई लाइफ आई एम लिविंग द लाइफ राइट नाउ एंड आई हैव मैनिफेस्टेड इट तो मुझे ऐसा लगा जब मैं वो चीज़ पहले कर चुकी हूँ तो मैं दोबारा क्यों नहीं कर सकती हूँ वो चीज़ क्यों मैं ऐसे अपने बुद्धि भ्रष्ट करूँ और मैं गलती सोचती रहूँ मैं उठी मैंने थोड़ा वॉक किया दोबारा बुक रीड करी उसके बाद मैंने अपने आप को पुश किया मेरे को वर्कआउट करना है मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया मैंने पंजाबी गाने चलाए मैं पंजाबी गाने ज़्यादा सुनती हूँ मैंने गाने वो चलाए हैं जो शादियों में बजते हैं इतने एनर्जेटिक सॉन्ग्स मैंने चलाए मैं क्योंकि जो आप कोई सॉन्ग सुनते हो ना इट्स वेरी गुड फॉर योर सोल तो आप सुनते हो जो आपकी फ्रिक्वेंसी वांटेड कि मेरी फ्रिक्वेंसी थोड़ी हाई हो मैंने गाने चलाए मैंने अपना वर्कआउट करना स्टार्ट किया एंड बिलीव मी द टाइम आई स्टार्टेड द सॉन्ग्स एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्कआउट आई वॉज फ्रॉम दिस टू दिस इन नंबर ऑफ सेकेंड्स एंड मतलब इट्स सो अनरियल एंड इट्स सो रियल एट द सेम टाइम बिकॉज आई वॉज फीलिंग बैड एंड एकदम से विद इन सेकेंड्स आई वॉज फीलिंग गुड अगेन आई वॉज फीलिंग हैप्पी आई वॉज लाइक फीलिंग मतलब एकदम पागल हो जाता बंदा एनर्जी से ऐसा हो गया मेरे अंदर तब मुझे समझ आई कि मतलब नो वन मैं हमेशा ये बोलती हूँ नो वन विल हेल्प यू और कैन हेल्प यू अनलेस और अनटिल यू विल हेल्प योर सेल्फ करके बैठी हूँ इसलिए आप देख सकते हो मेरी हालत कैसे बिगड़ी हुई है इस टाइम पे बट आई एम फीलिंग गुड तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने सोचा अगर कुछ चीज़ें मुझे हेल्प कर सकती हैं आई शुड हेल्प पीपल सो इट्स इन माय नेचर इफ लाइक आई फील गुड इफ़ आई हेल्प पीपल तो मुझे नहीं पता 50 लोग इस वीडियो को देखेंगे 20 लोग देखेंगे 30 देखेंगे बट हु एवर इज़ मेंट टू वॉच दिस विल वॉच दिस एंड ये तो था मेरा एग्जाम्पल कि मैंने कैसे अच्छा फील किया और मैंने अपने आप को कैसे
बदला एकदम से. आई डोंट फील ऑब्लिगेटेड टू मेक व्लॉग्स एवरी डे बिकॉज आई मेक देम बिकॉज आई फील गुड मेकिंग व्लॉग्स एंड आई फील हैप्पी डूइंग दैट. सो दैट्स व्हाई आई डू इट. मुझे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे पे कि मैं रोज़ बनाऊँ और मेरे लिए एक काम सा हो गया है कि मुझे रोज़ बनाना है और मुझे फेमस होना है या मुझे इससे पैसे कमाने हैं, ऐसा ऐसा करना है. ऐसी एनर्जी नहीं है मेरी, तो इसलिए मैं रोज़ रोज़ व्लॉग्स नहीं डालती. जब मुझे कोई अच्छा लगता है या मैं अच्छा फील कर रही होती हूँ तो मैं व्लॉग डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसी वाइब्रेशंस मैं आपको इस टाइम पे दे रही हूँ वैसे आप रिसीव करोगे. तो मेरा मानना वो है, ठीक है. तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ तो मैं ये वीडियो बनाती हूँ. मेरा एग्जांपल कि मैंने कैसे अपना को ट्रांसफॉर्म किया, मतलब ये तो मेरा एक दिन था, बट बिफोर आई गेस क्या नॉट बिफोर कोरोना स्टार्टेड, आफ्टर द फर्स्ट वेव इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी. और उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें करी थी अपने आपको हेल्प करने के. ठीक है, स्क्रू दैट, आई विल लेट यू नो इन अदर वीडियो कभी. बट अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ठीक है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दिन आता है या कोई ना कोई ऐसा महीना या साल आता है कि यू डोंट फील गुड. आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एकदम से शैटर हो जाती है. तो मैं यही समझाऊँगी और यही बताऊँगी कैसे आप अपने आप को खुद हेल्प कर सकते हो उन चीज़ों से निकलने के. तो अब सब इंडिविजुअल्स हैं, मुझे नहीं पता किसको क्या पसंद है क्या नहीं है. जो इस वीडियो को देख रहा है मुझे नहीं पता वो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको क्या करके अच्छा लगता है मुझे नहीं पता. बट अ पीस ऑफ एडवाइस आई कैन गिव यू इज़ फर्स्ट यू हैव टू पुश योरसेल्फ. आपको बुरा लग रहा है, आपका मन नहीं कर रहा बिस्तर से उठने का, ज़बरदस्ती उठो. उठो, नहाओ, मेडिटेशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं और लोगों की तरह ये नहीं बोलूँगी आपसे मेडिटेशन नहीं होता तो ना करो, मैं बोलूँगी करो. मैं बोलूँगी ज़बरदस्ती करो, करना बहुत ज़रूरी है. करो, जैसे पानी पीते हो सांस लेते हो वैसे मेडिटेशन करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है. आई डोंट नो वाई पीपल आर नॉट एजुकेटेड अबाउट इट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स या हमारी सोसाइटी हमें चीज़ों पे गाइड करती है. बट अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में जाके देखो इंडिया की या कहीं के भी, ये सिखाया जाता था हमें और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई. आई डोंट नो वाई बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू. हो गया ये. सेकेंड है, वॉक करो. वॉक करो, ज़बरदस्ती करो, अपने शरीर को हिलाओ. शरीर को नहीं हिलाओगे एक ही जगह बैठे रह जाओगे, उठा नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती उठो. मैं कह रही हूँ 5 कदम चलो, चलो चलो. थर्ड, गाने सुनो. बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए गाने सुनना, क्योंकि जो हमारी सोल होती है वो हील होती है थ्रू म्यूज़िक एंड थ्रू डांसिंग और थ्रू परफॉर्मिंग एनी आर्ट. आप पेंट कर सकते हो, आपको बुक रीड करना है तो आप बुक रीड कर लो. एनी लाइक थिंग विच मेक्स यू हैप्पी डू इट. कुकिंग करना अच्छा लगता है, क्या होता है इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे थोड़ी देर के लिए उस चीज़ से, तो आपको उस चीज़ से हटना है फॉर द टाइम बीइंग. कपड़े चेंज करो, अच्छा फील करो. अगर जैसे मेरा नहीं मन कर रहा था किसी से बात करने का, आपका मन कर रहा है तो आप बात करो. आप अगर किसी साथ शेयर नहीं कर सकते हो, राइट इट डाउन. कॉपी पेंसिल लो, कॉपी पेन लो, लिख दो उसके बारे में. बेशक जला दो, फाड़ दो, फेंक दो उसको. उसके बाद आपको अगर रखना है तो रख लो, बट क्या होगा जो आपके इमोशंस होंगे, आपको क्या ट्रिगर किया है, आपको क्या बुरा लग रहा है, वो चीज़ उस टाइम पे निकल जाएगी. क्योंकि इट्स नॉट वेरी हेल्दी टू होल्ड ऑन टू पर्टिकुलर इमोशन. क्या होगा फिर वो ट्रॉमा बन जाएगा, और जो वो ट्रॉमा बन जाएगा आपकी लाइफ में तो वो जन्मों जन्मों तक आपके साथ आगे जाएगा, हमेशा जाएगा. तो उसको वहीं ख़त्म करना एज अ बेस्ट ऑप्शन. लिखो उसको, उस चीज़ पर मेडिटेट करो कि आपको ये बुरा लगा, क्यों लगा. शायद आपकी गलती हो, शायद किसी और की गलती हो. किसी और की गलती हो उसको माफ़ करो, अपनी गलती हो अपने आप को माफ़ करो. एंड ट्राई कि आगे से आपको चीज़ ना करो. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट ईच एंड एवरी सिचुएशन द वे इट इज़, एंड अगर ये नहीं करोगे तो फंसे रह जाओगे, कभी भी खुश नहीं रहोगे लाइफ में. एक्सेप्ट कर लो कोई सिचुएशन जैसे भी है. अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, भगवान के ऊपर है. जो होगा होगा, ठीक है, देखेंगे. मुझे नहीं पता फ्यूचर में मेरे लिए क्या है क्या नहीं है. शायद मैं वीडियो बनाती बिना दिखूँ, शायद मैं बिल्कुल गायब हो जाऊँ, और शायद मैं रोज़ दिखूँ, नोबडी नोज़. तो आपको नहीं पता आगे क्या है, तो एक्सेप्ट कर लो. और जिस चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेट इट गो. कोई बात नहीं, नहीं है, कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि जब कंट्रोल करने लगते हो ना चीज़ों को, आपके दिमाग में चीज़ें पाइलअप होती रहती हैं. तो जब मेरे साथ ये हो रहा था, मैंने अपने आप को रोक लिया. मैंने ये नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करना, चीज़ें पाइलअप होने नहीं देनी. तो आपको इनिशिएट खुद लेना पड़ेगा. इनिशिएट लो, एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है. और उसके बाद सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अंडरस्टैंड अदर पर्सन, अंडरस्टैंड द सिचुएशन.
बाय अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ आई मीन आपको खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है. आपने खुद से पूछना है कि इफ़ दिस थिंग इज़ बॉदरिंग मी, वाई दिस थिंग इज़ बॉदरिंग मी. अगर मुझे किसी ने कुछ मेरे बारे में बुरा बोला तो क्या मैं उस पर सोचने बैठूँ कि उसने मेरे बारे में बुरा क्यों बोला. ठीक है, आपको उस थॉट को वहीं कट करना है. आपको बोलना है ठीक है, उसने बोला, उसका ओपिनियन है, शायद मुझ में कमी हो इसलिए बोला. अपने आप को बैठो एंड अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो और सोचो, शायद कुछ सच हो उसकी बात में. अगर आपको लगता है आप में वो कमी है उस पर काम करो. तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. ठीक है, उस चीज़ पे आपने अब काम कर लिया. अब दूसरों को समझो. अगर किसी ने आपको कुछ कड़वा बोल दिया, कुछ बोल दिया, आपको एक टाइम के लिए बुरा लगा क्योंकि आप उस बंदे से अटैच्ड हो, आपको बुरा लगा, बट ये समझो कि वो कहाँ से आ रहा है. ऐसी नेचर होती है, हमें लगता है हम हमेशा सही हैं, ऐसा नहीं होता है, हम गलत भी होते हैं. शायद हमने किसी को हर्ट कर दिया, शायद उसको किसी और ने हर्ट किया हो या कुछ हो. आउट ऑफ दैट ही सेइंग और शी सेइंग सम बैड वर्ड्स लाइक और गिविंग बैड एनर्जी टू यू. ठीक है, कुछ भी है, समझ लिया आपने. थर्ड होता है सिचुएशन. मैं एकदम डीप नहीं बात कर रही इन सब चीज़ों में, मैं सिर्फ आपको एक हाईलाइट दे रही हूँ चीज़ों का. आपको इतना नहीं उसमें घुसना कि उसने ऐसा क्यों बोला. उसका नेचर है यार, जो मर्जी बोला. तुम्हारा नेचर नहीं है कि तुमको उसको पकड़ के बैठना है या आपको सोचते रहना उस चीज़ के बारे में. बस सोच भी रहे हो, उस थॉट को चेंज कर दो. चलो बोल दिया बोल दिया, अब तुम वापस जाके उसका मुंह पकड़ के तो नहीं बोल सकते ना उसको फोर्स करके कि नहीं मेरे बारे में अच्छा बोल. यू कैन डू दैट, सो लेट इट गो. एंड थर्ड थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू. ठीक है, तो क्या होता है कई बार कंटिन्यूटी में हमारे साथ चीज़ें होती हैं, और वो क्यों होती हैं, टू टीच अस अ लेसन. जब तक हम उस चीज़ को नहीं सीखते, वो चीज़ बार बार उसी फॉर्म में हमारे साथ होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी. तो जब कोई सिचुएशन ख़राब है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सिचुएशन इज़ टेलिंग मी एंड व्हाट इट्स ट्राइंग टू मेक मी अंडरस्टैंड उस टाइम, व्हाट इज़ ट्राइंग टू टीच मी. अगर क्योंकि व्हेन वी कम ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हम सीखने आते हैं. बट ये भी एक बहुत डीप टॉपिक है, इसका भी मैं एक हाईलाइट दूंगी, पूरा बताने नहीं बैठूंगी, क्योंकि आधे लोग तो ये बात सुन के मुझे बोलेंगे पागल लड़की है. ठीक है, बोल लो योर ओपिनियन. बट क्या होता है, हम लेसन्स लेने आते हैं, हम अपनी सोल को प्योर करने आते हैं, हम एक हायर लेवल पे जाने के लिए आते हैं, बट हम इतना घिर जाते हैं मटेरियलिस्टिक और चीज़ों में और अटैचमेंट्स में कि हम चीज़ें भूल जाते हैं. तो ट्राई टू लर्न योर लेसन, क्योंकि हमें एक लेसन मिल रहा है तो उसको सीखो, उस टेस्ट को पास करो और आगे जाओ, ख़त्म करो चीज़ें. रोते हैं, सारे इमोशंस फील करो. इट्स वेरी गुड टू फील ईच एंड एवरी इमोशन, क्योंकि हमें कभी भी अपने इमोशंस को ऐसे ट्रैप नहीं करना होता. यू हैव टू फील इट, यू हैव टू गो थ्रू इट, एंड देन यू हैव टू हील इट. सो दैट्स वेयर हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम. तो आपको समझना तो पड़ेगा ना कि कहाँ से क्या आ रहा है, तभी तो आप अपने आपको हील कर पाओगे. अब डॉक्टर के पास जाओगे, आपको पता नहीं आपको हुआ क्या है. जब आपको पता है मेरे गले में दर्द है, आप डॉक्टर को बताओगे मुझे हुआ. अब जब आपको खुद को ही नहीं पता आपको हुआ क्या है, आप बस रोए जा रहे हो, तो आप कैसे समझोगे. तो अपने साथ टाइम स्पेंड करो और समझो आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है, और उस चीज़ को हील करने की कोशिश करो, अपने आप से बात करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको कैसे पता लगेगा कि मैं इस चीज़ को कैसे हेल्प कर सकती हूँ. खुद से नहीं होता, किसी की हेल्प लो, अपने फ्रेंड से बात करो, कोई गाइड है उससे बात करो, कोई मेंटोर है उससे बात करो, आपके कोई गुरु हैं उनसे बात करो, कोई नहीं भी है ना तो अपने आप से बात करो, क्योंकि यू हैव योर आंसर्स विद इन. हम सबको बुरा फील होता है, कुछ टाइम के लिए करो, मुझे भी हुआ. ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिविटी का यहाँ पे ज्ञान दे रही हूँ आके लोगों को, तो मेरे साथ चीज़ें नहीं होती, होती हैं, एक्सपीरियंस है, तभी मैं शेयर कर पा रही हूँ कि कैसे करते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं उस चीज़ को. तो बस मेरी वीडियो का आज का मोटिव यही है कि जो लोग ऐसा फील करते हैं तो वो खुद कैसे इन चीज़ों से निकले विदाउट गेटिंग एनी हेल्प. अगर उनके पास कोई हेल्प नहीं है तो वो अपने लिए क्या कर सकते हैं. तो मेरा मोटिव यही है. तो आपको जैसे मैंने बताए, सारे पॉइंट्स बताए, कि सबसे पहले तो आप उठो, अपने आप को पुश करो कुछ चीज़ करने के लिए. आपको जो अच्छा लगता है वो करो. अच्छा खाना है खाओ, जंक भी खाना है ना तो भी खाओ, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे करने के लिए वो करो. छोड़ दो दो तीन मिनट के लिए चीज़ें ऐसी. उठो, गाने सुनो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो. मैं बार बार बोलूँगी, मेडिटेशन इज़ द की टू एवरी थिंग. यू हैव टू डू इट, देर इज़ नो अदर ऑप्शन, यू कॉन्ट रन फ्रॉम इट इन योर एंटायर लाइफ. जूस पियो, कोक पीने कोक पियो, जो मन कर रहा वो करो. उठो, कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लो, कोई अच्छी बुक रीड कर लो. जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना, आप खुद देखोगे आपका मूड चेंज होने लग जाएगा.
तो डिप्रेशन में जाना या नेगेटिविटी में जाना बहुत इजी होता है, विद इन अ मिनट यू कैन गो, ठीक है? आधी पंजाबी जो मैं बोल गई ना एक्सेंट में मिनट, तो आप जा सकते हो, ठीक है? विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड आप जा सकते हो, बट उतना ही मुश्किल होता है पॉजिटिव रहना, क्योंकि पॉजिटिविटी यू हैव टू क्रिएट इट। नेगेटिविटी में तो आप जाते जाओगे, पॉजिटिविटी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसको आप क्रिएट करो, इतना भी मुश्किल नहीं है, हो जाता है। जैसे नेगेटिव थॉट है, कट इट। आपको आया मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं कैसे लग रही, कट इट। बोलो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो बहुत ऐसी हूँ, मैं अब ऐसी ही अच्छी लगूंगी, अब मेरा कोई चेंज तो मैं कर नहीं सकती, मैं यही हूँ, मुझे भगवान ने ही बना के भेजा है, एंड आई एम ब्यूटिफुल द वे आई एम। माई एक्सपीरियंस आई नो पीपल आउट देयर विल हैव सेम थिंग्स विच आई हैव सेड अर्लियर, एंड दे आर गोइंग थ्रू सेम सिचुएशन, बिकॉज सम हाउ एवरी ह्यूमन बींग इज़ कनेक्टेड, तो वी ऑल गो थ्रू सेम पैटर्न एंड थिंग्स एवरी डे। तो ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत लोगों ने समझाई चीज़ें, मुझे बहुत लोगों ने गाइड किया, बट मुझे कभी किसी ने ये नहीं बताया कि इन चीज़ों को एक्चुअली आप खुद कैसे कर सकते हो। दिस इज़ वट आई फाइंड आउट, आई फाउंड आउट कि आपको खुद को कैसे निकालना है। आपको लोग, जैसे मैं लोग हूँ, मैंने आपको बता दिया आपको ये करना है, जब तक आप खुद उठ के ये सब नहीं करोगे, आई डोंट थिंक सो एनी वन कैन हेल्प यू। तो बस जैसे मैंने कहा कि आई डोंट फील ऑब्लिगेटेड लाइक मेक वीडियो और एनी थिंग, तो बस वही है, मेरे को ये था कि अभी मेरा मन किया तो मैंने ये वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे पता है दिस वीडियो कैन एक्चुअली हेल्प समवन। आई होप आप लोग को हेल्प करे ये वीडियो, जो भी इसको देख रहा है, मुझे नहीं पता कौन देखेगा कौन नहीं, या नहीं भी देखेगा, एक दो बंदा भी देखे, अगर तुमको ये हेल्प किया, आई एम सो ग्लैड दैट इट हेल्प यू। और मैंने कोई भी चीज़ अभी बिल्कुल डीपली नहीं बताई है, मैंने सिर्फ हाइलाइट्स बताए हैं चीज़ों की, क्योंकि अगर मैं डीप नॉलेज देने लगूँ यहाँ पे, मेरे को शायद 2 दिन लग जाएँ, मेरे को 50 दिन लग जाएँ, जितने भी लग जाए, इतनी लंबी वीडियो पॉसिबल ही नहीं है बनाना। तो बस यही था जो मेरा एक्सपीरियंस, आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, तो मैंने कर दिया, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एंड आई गिव लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू।